दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ तो पैनल स्टेशन की और भी ज़्यादा जो सर्वे वेबसाइट है उनके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप मल्टीपल अकाउंट कैसे चला सकते हैं अपने एक मोबाइल में, मतलब सिंगल डिवाइस में कैसे अपने फैमिली मेम्बर के अकाउंट चला सकते हैं, जैसे आपके सिस्टर का अकाउंट है, ब्रदर का अकाउंट है, सारे के सारे अकाउंट एक ही मोबाइल में कैसे चला सकते हैं पैनल स्टेशन या अदर सर्वे वेबसाइट का, ठीक है। और इसको वेट काफ़ी लोग कर रहे थे कि बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि भाई बताओ कैसे हमें भाई मल्टीपल अकाउंट एक ही डिवाइस में चलाना है, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा होता है घर में सिर्फ एक ही मोबाइल होता है और आपके सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, सबके अकाउंट्स बनाए हैं पैनल स्टेशन पे या अदर सर्वे वेबसाइट पे, तो कैसे एक ही डिवाइस में हम चलाएं। तो इसका सोल्यूशन भाई है मेरे पास और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 100% काम करता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ और काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको सबको पता है कि भाई कैसे मल्टीपल अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि मैं कई बार लाइफ में बता चुका हूँ। ठीक, अभी बात करते हैं भाई मल्टीपल अकाउंट कैसे चलाने हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपको मल्टीपल अकाउंट किसके चलाने हैं। अगर आप पैनल स्टेशन के अकाउंट मल्टीपल चलाना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्रोम ही यूज करना चाहिए, एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन में क्या होता है, सेम एक ही आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि आपके मोबाइल का जो आईपी एड्रेस होता है ना वो ऐसे चेंज नहीं होता, वीपीएन से चेंज होता है। और आप वीपीएन यूज करेंगे तो भाई कैसे, वो ऑटोमेटिक भाई डिटेक्ट कर देगा कि भाई आप इंडिया से बाहर वीपीएन लगा रहे हैं, तो भाई वो चेंज नहीं करता है, आपका जो पैनल स्टेशन है वो ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो भाई और हाँ, ये कोई इलीगल नहीं होता, आप एक डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट चला सकते हैं, एकदम लीगल होता है, क्योंकि भाई हो सकता है आपके घर में सिर्फ एक ही मोबाइल, आपके फैमिली मेम्बर भी यूज करना चाहें तो आप एक मोबाइल में यूज कर सकते हैं। अभी सबसे पहले देखिए क्रोम को मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखिए क्रोम ओपन कर लियो, यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा था डिस्कवर में, चलिए छोड़िए। यहाँ पे सिंपल बात है, पैनल स्टेशन का पहला अकाउंट आप कैसे ओपन करें। जब आप क्रोम को ओपन करते हैं ना तो बहुत से लोगों को मैं यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एन बना है छोटा सा, आप देख सकते हैं इस तरह छोटा सा एक एन बन के आ रहा ना, ये मेरे में ऐड चलने लगते हैं, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिए एन बन के आ रहा ना, मतलब कि ये अकाउंट खुला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करके रखा है, क्रोम का अकाउंट ना कि पैनल स्टेशन का, मतलब कि एक जीमेल मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे आपको पहला पैनल स्टेशन का अकाउंट ओपन करना है तो सिंपल आप यहाँ पे सर्च करिए द पैनल स्टेशन, ठीक है। अरे क्या सर्च हो गया, ठीक है, यहाँ देखिए मैं थोड़ा इसको कट कर देता हूँ, द पैनल स्टेशन, ये देखिए पहला अकाउंट आया, यहाँ मैंने इसको ओपन किया। पहले वाले पे आपको सिंपल क्लिक करना है, जब आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सिंपल पहला अकाउंट ओपन कर लेना, मतलब कि जो आपका इसमें एक अकाउंट बना है क्रोम की जो जीमेल है ना उसमें एक जीमेल एक अकाउंट, दो जीमेल दो अकाउंट, और प्रैक्टिकल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ करके। तो सिंपल आपको लॉगिन पे जाना है, और जैसे ही आप लॉगिन पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको पहला अकाउंट अपना ओपन कर लेना, ठीक है, मतलब पहला अकाउंट आपको यहाँ पे पूरा ओपन कर लेना। जब आप ओपन कर ले, काम ख़त्म कर लें, सर्वे कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद सिंपल आपको पैनल स्टेशन का जो अकाउंट है वो आपको साइन आउट कर देना, साइन आउट हो जाएगा उसके बाद आपके पास फिर से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे मतलब कि यहाँ पे गूगल आ जाएगा, ये ऐसा ऑप्शन आ जाएगा फ्रेश, और आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आपकी वही जीमेल होगी, यहाँ पे देखिए एन वाला जो बना है ना, यहाँ पे आपकी वही जीमेल खुली जिससे कि आपने पैनल मतलब जिसमें अभी आपने पहला पैनल स्टेशन ओपन किया। तो सिंपल आपको इस पर ऐसे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखिए साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है ना, साइन आउट पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ जो लिख के आ रहा है ना ऑल्सो क्लियर योर क्रोम डाटा फ्रॉम दिस डिवाइस, सिंपल इस पर टिक करते कंटिन्यू कर देना। इसका मतलब है आपकी जितनी भी हिस्ट्री है, कैच है, सब डिलीट हो गया, एकदम फ्रेश हो गया। अब देखिए मैं आपको, अब देखिए जब ये फ्रेश हो जाता है इसका मतलब है आपने जो पैनल स्टेशन ओपन किया उसकी हिस्ट्री डिलीट हो गई, क्रोम से उसकी हिस्ट्री हटा दी गई है, तो उनको पास जो डाटा था उनको तो लगेगा भाई सिंपल एक ही डिवाइस है, मतलब एक ही डिवाइस में जो ओपन किया था वो डिवाइस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ टर्न ऑन सिंस जो लिखा है इस पर क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरी ईमेल से अकाउंट लॉगिन करना है, जैसे कि पहले था नेहा वाला कुछ, अब मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ अरुण नाम का है जो, उसकी जीमेल को यहाँ पे यस आई एम कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बैक आ गया, तो यहाँ देखिए पहले एन बन के आ रहा था ना अकाउंट में, अब यहाँ पे मैंने दूसरी जीमेल ओपन कर ली ए नाम से, यहाँ पे देखिए ए नाम से मैंने जीमेल ओपन कर ली। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है द पैनल स्टेशन, ठीक है, यहाँ देखिए द पैनल स्टेशन ओपन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम फ्रेश अकाउंट आया है, ठीक है, एकदम फ्रेश, क्योंकि यहाँ पे मैंने नई जीमेल अकाउंट ओपन किया, मतलब क्रोम का नया अकाउंट ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है पैनल स्टेशन, सॉरी कुछ और खुल रहा है, यहाँ क्लिक कर दें, ये देखिए पैनल स्टेशन ओपन हो गया। अब आपको दूसरा अकाउंट इसमें ओपन कर लेना है, दूसरा अकाउंट जब आपका ओपन हो जाए आपको सिंपल सर्वे कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको जाना है गूगल के पास, ऐसे गूगल वाले ऑप्शन पे सिंपल आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और आपके जो अकाउंट है सेटिंग पे जाने के बाद
ये जो अकाउंट आ रहा है यहाँ पे साइन आउट, फिर से इसको साइन आउट करना है, उसके बाद आल्सो क्लियर योर क्रोम डाटा और कंटिन्यू कर देना। जब आप ये करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका डाटा फिर से डिलीट हो जाएगा। यहाँ देखिए क्लियरिंग अकाउंट डाटा, और उनको लगेगा कि भाई आपने जिससे मतलब जिस डिवाइस में किया था वो डिवाइस आपका दोबारा ओपन नहीं हो रहा। आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ पे साइन आउट किया और साइन आउट एक जीमेल से किया तो जीमेल का आईपी एड्रेस गया, वो तो चेंज हो गया, इस वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक नहीं हो गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड, अगर आपको अकाउंट चलाना है तो फिर से वही प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है, आपके जो क्रोम का ये जो अकाउंट इतने सारे दिख रहे हैं ना ये क्रोम वाले, आपको सिंपल इनको चेंज करते जाना है। मतलब एक क्रोम का अकाउंट तो एक पैनल स्टेशन का अकाउंट आपको यूज करना है, दूसरा क्रोम का अकाउंट तो दूसरा पैनल स्टेशन का अकाउंट, बस आपको हिस्ट्री डिलीट करना है, केच डिलीट करना है। तो आप सिंपल यहाँ से जाइए, थ्री डॉट पे क्लिक करिए, हिस्ट्री पे क्लिक करिए, और आपको कोई हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री पे जाने के बाद एकदम क्लियर कर देना केच। पासवर्ड कभी सेव नहीं करना है क्रोम पे, कि बहुत से लोग क्या करते हैं पासवर्ड सेव कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और इतने गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे अपने ब्लॉग चैनल पे भाई 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, तो ब्लॉग चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर भाई ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भाई 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। रिक्वेस्ट आप लोगों से कि भाई 500 करवा दो, वहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं, वहाँ पे मेंशन कर दिए मैंने अपने चैनल को, जाकर भाई सपोर्ट कर दो। और इस चैनल पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे अपडेट देता रहूँगा। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि मल्टीपल अकाउंट कैसे चलाते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलता है भाई नेक्स्ट।